गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक हो। सुबह के बज रहे हैं 7:30, मैं आ गया हूँ नीचे, बट यहाँ मैं देख रहा हूँ कि केमिस्ट की शॉप बंद है, तो मुझे जाना पड़ेगा सेंसबरीज, बिकॉज मुझे लेनी है खुशबू के लिए दवाई। खुशबू का फीवर अभी भी कम नहीं हुआ है, वैसा का वैसा है, बट एटलीस्ट थैंकफुली उसको ब्रीदिंग में कोई इश्यूज़ नहीं है। उसको थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, डायरिया जैसा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्लू के सिम्टम्स हैं, और यहाँ पे आजकल फ्लू का सीज़न चल रहा है यूके में। तो मैंने सोचा कि चलो फ्लू के लिए कोई मेडिसिन जो होती है वो लेके आता हूँ। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि यहाँ पे एक मेडिसिन होती है आइबुप्रोफेन, जो फ्लू में थोड़ा हेल्प करती है। तो बस अभी मैं यहीं पे आया हूँ, सेंसबरीज जा रहा हूँ, यहाँ से फ्लू की वो मेडिसिन लेके आता हूँ खुशबू के लिए। यहाँ पे एक बात अच्छी है कि सेंसबरीज यहाँ सुबह 7 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे तक खुला रहता है वीकडेज पे, तो जनरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको कोई जो भी चीज़ चाहिए वो मिल ही जाती है मतलब सेंसबरीज में। सो मैंने यहाँ पे स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दोनों लेके जाओ। तो मैंने दोनों के एक एक पैकेट ले लिए। अभी मैं घर पर जाके थोड़ा वापस रिसर्च करूँगा और फिर देखते हैं कि इसमें से कौन सी दवाई खुशबू को देते हैं। प्रॉब्लम इज़ कि अभी फ़ीवर सबसे पहले कम करना पड़ेगा, जब तक हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तब तक एटलीस्ट खुशबू को थोड़ा रिलीफ मिले, उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। बाकी तो ज़्यादा मेडिकेशन हम सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, बट एनीवे चलो अभी फ़िलहाल दवाई ले ली है। अभी एक और काम है, मुझे जाना है ए टी एम से कैश भी निकाल लिया है। आज इतने दिनों बाद मैं पहली बार ए टी एम से कैश निकाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि खुशबू की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने घर पर एक हेल्पर को बुलाई है। तो यहाँ पर कैसा है कि आपको हेल्पर्स मिल जाते हैं ऑन एन आवरली बेसिस, आप उनको घर पे बुला सकते हो आपका घर का काम करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए। तो आज हमने एक हेल्पर को बुलाया है। तो कि आप अभी का वेदर देखो, एकदम हो गया है क्लाउडी और रेनी, एकदम डल सा वेदर हो गया है। यहाँ नायरा उठ चुकी है। नायरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबू बाबू बाबू, यस। अभी नायरा को मैंने थोड़ा बिजी रखा है आईपैड में, बिकॉज मुझे अभी नायरा के लिए दूध बनाना है, खुशबू के लिए चाय बनानी है, फिर उसको मैं दवाई दे सकता हूँ। तो पहले चलो नायरा का दूध बना लेता हूँ और पैरेलली खुशबू के लिए चाय भी रख देता हूँ। आज मुझे लगता नहीं है मैं टाइम पे ऑफिस शुरू कर पाऊँगा, या तो शायद स्किप भी करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ एंड द अपॉइंटमेंट, इफ यू गेट डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। सो यहाँ एक तरफ हो रहा है नायरा का दूध गर्म और दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी है। और अभी मैं बात कर रहा था हेल्पर्स की। सो ये हेल्पर्स कौन होते हैं? सो बेसिकली कैसा है कि यूके में, लंदन में जनरली काफ़ी लोग इंडिया से और अदर कंट्रीज से ऑन स्टूडेंट वीज़ा या कैरियर वीज़ा पे आ जाते हैं, एज डिपेंडेंट्स आ जाते हैं, फिर उनके पास जॉब नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के घर पे जाके उनका थोड़ा क्लीनिंग में हेल्प करते हैं या कुकिंग में हेल्प करते हैं, और ये लोग यू नो आवरली बेसिस पे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, जैसे 10 पाउंड हो गए, 20 पाउंड हो गए, आई डोंट नो कितने है, आज मैं आपको बताऊँगा, मुझे भी पता चलेगा। तो ये लोग आके आपका थोड़ा घर का सारा वारा काम सब कर देंगे, खाना वाना आपके लिए बना देंगे, आप जो बोलोगे वो साफ़ सफाई कर देंगे। तो आज हमने इसीलिए एक हेल्पर को बुलाया है, तो वो आएगी अराउंड 9 बजे, वो आने वाली है। तो तब तक हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। हमने उनको करीब 2-3 घंटे के लिए बुलाया है, उनके पास 2 घंटे का या 3 घंटे का कुछ टाइम था। तब तक मुझे ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि खुशबू को आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं। नायरा दूध इज़ रेडी, चलो। हाँ ये बंद कर दे, हमें थोड़ी बार बंद कर दे, चलो यहाँ भी जाओ। ये उसका फेवरेट पोजीशन है, यहाँ पे वो सो के दूध पीती है। नायरा रेडी, चलो पोटी। हाँ पोटी साफ कर दे हमें, ओके, तू दूध पी लेती है सुधी। तब तक देखते हैं अपनी चाय। ओके चाय अभी भी उबल रही है। तो खुशबू को कुछ खाने का मन है नहीं, उसने बोला मुझे सिर्फ चाय और बिस्किट दे दो। तो अभी मैं फिलहाल उसको चाय ही दे के आ रहा हूँ। आऊ नायरा, केम छे खुशबू? हवे हजी एमनम छे?
ચાલ આપણે ડૉક્ટરની હમણાં અપોઇન્ટમેન્ટ લઈએ અને હું દવાઈ બી લઈ આવું છું. તું પહેલાં એટલો નાસ્તો કરી લે, પછી દવા લઈ લે. सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पे मैंने जस्ट अभी ऑफिस में इन्फॉर्म किया है कि मैं आज शायद ऑफिस में काम नहीं करूँगा. मतलब आज वैसे भी मेरा वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि आज मैं शायद छुट्टी लूँगा बिकॉज मुझे अभी खुशबू का ध्यान रखना है, नायरा का भी ध्यान रखना है. और अभी अपडेट ये है कि जो हेल्पर को हमने बुलाया था वो आ गई है, वो फ़िलहाल खाना वाना बना रही है खुशबू के लिए, मतलब हम सब के लिए. खुशबू उसको गाइड कर रही है क्या कैसे बनाना है वो सब. नायरा को मैंने नहला दिया है. द बेस्ट पार्ट इज़ NHS में मैंने सुबह 9 बजे अपॉइंटमेंट ली कि इट्स एन इमरजेंसी, माई वाइफ इज़ नॉट फीलिंग वेल, कुछ खा नहीं रही है, वॉमिटिंग हो रहा है. 9:15 को मुझे NHS से कॉल आ गया कि आपके लिए 10:30 का अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो आप अपनी वाइफ को लेके आ जाइए. सो अगेन हैड्स ऑफ टू UK's NHS. जितने लोग कंप्लेन करते हैं, आई थिंक इमरजेंसीज में NHS इज़ द बेस्ट. तो बस अभी फटाफट खाना वाना बना के फिर जब हेल्पर चली जाएगी तब मैं, खुशबू और नायरा जाएंगे हमारे GP, यहाँ पे डॉक्टर को GP बोलते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हमारे एक क्लिनिक होता है. सो यहाँ से वो क्लिनिक करीब 5 मिनट का ड्राइव है टैक्सी में. तो बस हम 10:30 को निकलेंगे, 10:30 का हमारा अपॉइंटमेंट, 10:35 तक पहुँच जाएंगे और फिर देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, खुशबू को एग्जामिन करके फिर आपको भी बताएंगे. तो बस भाई सुबह के बज रहे 10:30, हम लोग यहाँ आ गए नीचे, टैक्सी का वेट कर रहे हैं. टैक्सी आते ही हम जाएंगे क्लिनिक. यहाँ देखो हमारी नायरा मैडम. हेलो नायरा. डॉक्टर उसको उसको लग रहा है मुझको उसके लिए डॉक्टर के पास लेके जा रही है. हाँ डॉक्टर. हाँ डॉक्टर उसको लग रहा है हम उसके लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास, उसको पता नहीं है. खुशबू कैसा फील कर रही हो अभी? बेटर पहले से? तो खुशबू को मैंने, हाँ तो खुशबू को मैंने सुबह सुबह जो यहाँ की पैरासीटामोल दी उससे उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है. फीवर कम हुआ है, वीकनेस कम हुई है, बट चूँकि अपॉइंटमेंट ले लिए तो डॉक्टर के पास तो हम जा ही रहे हैं. आज गए हम क्लिनिक के बाहर, ये है वो क्लिनिक. चलो चलते हैं अंदर. सो बस अभी हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो गई है. डॉक्टर ने खुशबू को एग्जामिन किया और वो बोल रहे हैं कि खुशबू को चेस्ट इन्फेक्शन है. नाउ इट कुड बी वायरल और बैक्टीरियल, बट फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि बैक्टीरियल है. तो उन्होंने 5 दिन की दवाई दी है, तो हमें डायरेक्टली हमारे एरिया के केमिस्ट से जाके कलेक्ट करनी है. खुशबू भी फिलहाल अंदर बैठी है. नायरा देखो यहाँ पे टाइम पास कर रही है, नीचे खेल रही है. हमारी बस हम टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं, टैक्सी आएगी फिर हम निकलेंगे वापस, केमिस्ट से दवाई लेंगे फिर चलेंगे घर. तो बस अभी हम लोग आ गए केमिस्ट में मेडिसिन कलेक्ट करने. खुशबू यहाँ बैठी है, तो यहाँ पे काउंटर पे अभी हमें हमारी मेडिसिन मिलेगी. सो अभी बस हम लोग केमिस्ट से बाहर निकले, दवाई दे दी, हमें 5 दिन का कोर्स दिया है खुशबू के लिए और हमें कुछ नया जानने मिला. अभी केमिस्ट ने दवाई देने के बाद बोला पेमेंट, तो हम लोग ने बोला NHS में तो फ्री होता है, पेमेंट किस बात का? तो उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन फ्री होता है, अगर आप 16 साल की उम्र से ज़्यादा हो और 60 से नीचे हो तो आपको दवाई के लिए पे करना पड़ता है. मतलब कंसल्ट जो डॉक्टर की विजिट्स फ्री होती है, बाकी कंसल्ट मतलब दवाई का पैसा देना पड़ता है. तो खुशबू कुछ नया सीखा हमने, बट एनीवे वी आर हैप्पी एटलीस्ट कि हमें टाइम पे अपॉइंटमेंट मिल गई और हमारी ये चालू हो गई, दवाई चालू हो गई एटलीस्ट. सो ये है वो दवाई, इट्स बेसिकली एमोक्सिसिलिन, इट्स एन एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. यहाँ पे आप देखो इस पे पूरा वो लोग लिख के देते कि आपको ये कितनी बार लेनी है और इसमें कितनी टैबलेट्स है और ये किसके नाम पे है. इसके लिए हमें पैसे देने पड़े ऑफकोर्स, अराउंड 9 पाउंड्स हमने दिए ये एक पैक ऑफ मेडिसिन के लिए. दोपहर के बज रहे 1, खुशबू और नायरा सो रहे हैं. खुशबू को दवाई दे दी है. खुशबू का लंच अभी पेंडिंग है, बट मैंने सोचा एटलीस्ट चलो मैं लंच कर लेता हूँ तब तक. तो लंच में आज है गोभी की सब्ज़ी, रोटी और सम गुजराती दाल. सो दिस इज़ वॉट द हेल्पर हैड प्रिपेयर्ड. जो आज सुबह को हेल्पर आई थी हमारे घर पे अराउंड 1 घंटे के लिए, एक्चुअली हमने उसे 2 घंटे के लिए बुलाया था, बट क्योंकि खुशबू की अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया था और वो 9:30 को आई और हमें 10:30 का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, तो फिर हमने उसको बोला कि आप 1 घंटे के बाद जा सकती हो. नॉर्मली दैट हेल्पर चार्जेस 12 पाउंड्स पर आर, बट उसने करीब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा काम किया था तो हमने उसको 15 पाउंड दे दिए. बट अच्छा ही है, 15 पाउंड में उसने 1 घंटे में हमारे लिए सारी रसोई, सारा खाना वाना सब बना दिया. दोपहर के बज रहे हैं 3. नायरा अपनी आफ्टरनून नैप कंप्लीट करके उठ गई है और अभी उसको ये देखो, उसको अभी ब्रश करने का शौक जागा है. नायरा आका टाइम छे ब्रश करवानो?
लैपोर्ट, हाँ लैपोर्ट चालू कर दो, इसका यूट्यूब अटक गया है अभी, इसीलिए लैपोर्ट लैपोर्ट करके मुझे बुला रही है। हाँ वो नहीं रहा। खुशबू के लिए काजल दीदी ने भेजी है गर्मा गर्म राब, मैंने उसको वैसे तो गर्म ही थी फिर भी थोड़ी गर्म कर दी, और इसमें मैं देख रहा हूँ भर भर के केसर भी है, तो आई थिंक खुशबू ये थोड़ा पिएगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे खुशबू के लिए राब गर्म कर ली है। यहाँ पे है नायरा के लिए एक रोटी और थोड़ी सी दाल, लेट्स सी अभी ये दाल रोटी खाती है कि नहीं, उसको हाथ में लैपटॉप है तो शायद खा जाएगी। शाम के बज रहे 8:30, डिनर टाइम हो गया है हमारा, तो ऐसा हुआ कि काजल दीदी ने हमारे लिए टिफ़िन भेजा है। सो काजल दीदी है सेंड, लेट मी शो यू। सो काजल दीदी ने हमारे लिए कढ़ी और पुलाव बना के भेजे हैं, तो मैं बस अभी ये गर्म कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए देखते हैं खुशबू और नायरा क्या कर रहे हैं। खुशबू क्या हुआ, एनीथिंग बेटर? बेटर लग रहा है अभी। देखो नायरा अपनी मम्मा के साथ सो गई है, मम्मा को थोड़ा कंफर्ट दे रही है, कंपनी दे रही है। नायरा मम्मा ने माथू दाबो, मम्मा ने ताव आवे ना, हाँ हाँ माथू दाबी दे जरा जरा, वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, थैंक यू नायरू। सो बस खुशबू के तबीयत में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अभी भी उसको फीवर आ जा कर रहा है, पैरासीटामोल लेती है तो फीवर चले जाता है। आई थिंक वो एंटीबायोटिक्स का डोज एक दो दिन और जाएगा, उसके बाद शायद इम्प्रूव होगा। यहाँ हमारा डिनर लग चुका है। खुशबू ये लो प्लीज़, अभी खा लेना, तुम्हें दवाई लेनी है, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ राब पी है। इसको कोई बोलो, मेरा तो नहीं सुनती है, इसको कोई बोलो आप कि कुछ तो खाना चाहिए, भले अच्छा ना लगे लेकिन खाओ। टेस्ट का क्या करना है, तुम्हें खाने की ज़रूरत है अभी। मम्मा ने कहे नायरा, मम्मा ने कहे खाई ले बधू। एक चीज़ अच्छी है कि ऑल्दो हम हमारे घर से दूर इतना दूर रहते हैं दूसरे कंट्री में, लेकिन हमारे आसपास हमारे जान पहचान के लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जैसे काजल दीदी हो गए और खुशबू के फैबा हो गए, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जैसे आज पूरे दिन अभी मेरे को राब बनाने नहीं आती, तो काजल दीदी ने सामने से बोला कि मैं खुशबू के लिए राब बना के भेजूँगी, डिनर भी काजल दीदी ने अभी भेजा है। तो ऐसी सिचुएशंस में किसी का आसपास होना हेल्प्स अ लॉट रियली, वरना मुझे नहीं पता कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं, लेकिन जस्ट द फीलिंग दैट समवन यू नो इज़ अराउंड यू एंड इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू बूस्ट्स योर मोरल अ लॉट। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कभी अब्रॉड शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ पर आस पास आप किसी को जानते हो, तो क्या है कि ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको कभी हेल्प मिल जाएगी।